आज हम आपको दिखा रहे हैं कि घर पर ओवन में कुकीज कैसे बनते हैं। जो बिस्किट होते हैं वो अपने घर पर ही अपने हाथों से कैसे बना सकते हैं। देखिए मेरे पास जो सामान है, ये ड्राई फ्रूट और ये 1.5 चम्मच घी और ये छोटा 1/2 चम्मच छोटी इलायची पिसी हुई हरी वाली, ये पिसी हुई चीनी और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा जो पाउडर होता है बेकिंग पाउडर, ये 3 चम्मच मैदा और 1/2 बाउल दूध और ये 1 बाउल हमारे पास है आटा। और ये हैं 2 फूड कलर जो मैं दोनों को एक एक ड्रॉप्स मिक्स करके दूध में मिक्स करके इसका कलर बढ़ाने वाली हूँ। आइए प्रोसीजर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले घी डालेंगे और चीनी और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। घी मैंने ठंडा करके रखा है, फ्रिज में से निकाला है मैंने घी, आप भी ठंडा कर लें ताकि अच्छे से उसको क्रीमी तरह से फेंटा जा सके। देखिए ये चीनी और घी को मैं फेंट लूँगी। लीजिए घी और चीनी, जो पिसी हुई चीनी ली थी मैंने, घर पर ही पीस लेते हैं चीनी को। देखिए उसको बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है, क्रीमिश सा बन गया है, बहुत अच्छा क्रीमिश। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट भी ऐड कर लेंगे और अपनी कुकीज़ रेडी कर लेंगे। लीजिए हमने जो मिल्क लिया है उसके अंदर अपना फूड कलर डाला है ताकि कुकीज़ कलरफुल हो जाएं। ये वाला कुकीज़ में हमने फूड कलर डाला है। अब हम सारी चीज़ को मिक्स कर लेते हैं। देखिए छोटी इलायची जो मैंने पीस करके रखी है और ये मैदा जो 3 चम्मच मैदा हमने लिया है और ये हमारा जो आटा है 1 बाउल आटा, इसको भी मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। और ये देखिए ये हमारा बेकिंग पाउडर, इसे भी मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे मारते हुए उसको सॉफ्ट हाथों से इस तरह से करेंगे, सॉफ्ट हाथों से, ये देखिए ऐसे, उसे आटे की तरह गूंदना नहीं है, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हाथों से इस तरह से करेंगे। ये हमारा बेकिंग पाउडर, लीजिए देखिए इस तरह से ये खिला खिला सा अभी बना है। हमें अच्छा सा डो बनाना है, जो हार्ड वाला और टाइट वाला डो होता है, देखिए इस तरह से बना है। अब हम इसको इकट्ठा करने के लिए अपना फूड कलर जो दूध में डाला है वो मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए लीजिए डो हमारा बिल्कुल टाइट वाला तैयार हुआ है, हमने लूज़ नहीं किया है, रोटी वाला डो नहीं बनाना है, बिल्कुल बिस्किट वाला डो बनाना है, जो ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, कि कोई चपातियाँ बनाने वाला नहीं होना चाहिए। देखिए ये हमने एक पेड़ा लिया, इस तरह से दबाते हुए थोड़ा पतला करेंगे इस तरह से और यहाँ पे रख करके हम अपना जो कुकीज़ है उसको थोड़ा स्टाइल से काटेंगे। मेरे पास मोल्ड जो है वो है स्टार वाला, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है कि स्टार वाले बिस्किट खाने को मिलेंगे। ये देखिए इस तरह से हम स्टार वाले मोल्ड से इसको काटेंगे। पहले आप ये देखें कि मोटाई ज़्यादा या ज़्यादा पतला ना हो, इस तरह से ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मोटे वाले को अच्छे से पकाना पड़ता है और ज़्यादा पतला भी ठीक नहीं होता है। ये देखिए इस तरह से हम मोल्ड डाल करके अपने बिस्किट को कुकीज़ को काट लेंगे। और ये दी ये लीजिए हमारा कुकी जो है स्टार वाला रेडी हो गया है। ये लीजिए इस तरह से चाकू की मदद से हम उठाएंगे और यूं रख लेंगे।
लीजिए, कुकी हमारी रेडी हो गई हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरी कुकीज हमने बना ली हैं। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। हमने इस तरह से मोल्ड से कुकिंग बनाई है, कुकी की बनाई है। देखिए बिस्किट बहुत ही अच्छे लुक वाइज और टेस्ट वाइज। अब हम पहले ओवन को प्री हीट कर लेते हैं। लीजिए ओवन को प्री हीट करते हैं। मिनट का हमने 6 मिनट का प्री हीट लगा दिया है। उसके बाद हम अपनी कुकीज जो हैं ओवन में बेक कर लेंगे। लीजिए हमारा ओवन प्री हीट हो चुका है। लीजिए हमारा ओवन प्री हीट हो चुका है और अब हम ये अपने कुकीज रख लेते हैं। आइए, इस तरह से मैंने बड़ी ग्रिल ली है इसके अंदर, जो हम इस तरह से सेट कर देंगे, ये देखिए। और अब हम इसको 13 मिनट का ही लगाएंगे, बस 13 मिनट। लीजिए 13 मिनट के लिए हमने कुकिंग की सेटिंग लगा दी है। हमारे कुकी 13 मिनट के अंदर रेडी हो जाएंगे और तब तक हम नेक्स्ट कुकीज रेडी कर लेते हैं। देखिए अब हमने इस तरह के अलग तरह के और बनाए हैं कुकीज, जो जिनको शेप हमने राउंड राउंड दी है। पहले स्टार शेप में बनाए थे। लीजिए हमारी कुकीज रेडी हो गई हैं। अब हमने ओवन में से निकाल ली हैं, प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से धीरे धीरे उठाएं और प्लेटिंग कर लें। ये हमारी पहले वाली स्टार वाली कुकीज और अब ये दूसरे जो हमने राउंड कुकीज बनाई हैं, ये देखिए धीरे धीरे उठा करके हम प्लेटिंग कर लेंगे। हमारी कुकीज रेडी हो गई हैं, ये लीजिए। लीजिए हमारी बनाई कुकीज रेडी हो गई हैं। आप देख रहे होंगे कि कितनी जल्दी घर पर ही हेल्दी कुकीज़ रेडी हो गई हैं। देखिए बहुत अच्छे से ब्राउन कर ली हैं हमने। और आपको अगर हमारी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारी बनाई हुई डिशेज़ लाइक करें। थैंक यू।